ग्रहण के खत्म होने के साथ साथ पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मंदिर और गांव में अष्टदिक बंधन लगा दिया जाएगा। बस 10 दिन के लिए खुद को उसकी जगह रखो, सारी जिम्मेदारियां उठाओ और तुम उस परिवार को, उस कंपनी को बचा लो। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फिल्मी तड़का पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से काउंटडाउन करने वाले हैं साउथ के टॉप 6 मोस्ट अमेजिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवीज का, जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देने वाली है। और आज की वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों, आज हम जितनी भी मूवीज का काउंटडाउन करेंगे उन सभी मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे लगातार वीडियोज का अपडेट पाते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी नंबर 6 पर जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक मिस्ट्री थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है वीरूपक्षा और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 है आउट ऑफ 10, जो एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें एक गाँव के बारे में दिखाया गया जहाँ पर सभी लोग अपनी लाइफ बहुत ही सिंपल और नॉर्मल वे में जी रहे होते हैं। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब अचानक से उस गाँव में कुछ लोगों की मौत रहस्यमय रीजन के चलते होने लगती है, जिसके कारण पूरे गाँव में डर का माहौल बन जाता है। अब आगे मूवी देखना यह होता है कि आखिर उस गाँव में हो रहे रहस्यमय तरीके से मर्डर को कौन कर रहा होता है, और इवन क्या गाँव वाले उस मर्डर को पकड़ पाते हैं। यह जानने के लिए आप एक बार इसमें को ट्राई जरूर करिए। यकीनन दोस्तों, इस मूवी का स्क्रीन पे और स्टोरी लाइन आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग लगने वाला है, और साथ ही साथ इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत ज्यादा गूज़बम्प देने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर ट्राई जरूर करें। तो गाइज, अब हमारी नंबर 5 पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन कॉमेडी थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है दास का धमकी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है आउट ऑफ 10। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें कृष्णा दास नाम के एक आदमी के बारे में दिखाया गया, जो एक लग्जरी होटल में वेटर का काम कर रहा होता है। रिवन एक बड़ा आदमी बनने की राह पर निकल पड़ता है, लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब कृष्णा दास को पता चलता है कि उसके से देखने वाला एक आदमी एक बड़ी कंपनी का सीईओ होता और उसकी मौत हो चुकी होती, तो वह उस आदमी की जगह लेकर उस कंपनी में सीईओ बनकर चला जाता है। आगे मूवी देखना यह होता है कि कृष्णदास उस कंपनी में सीईओ बनकर क्यों जाता है और इवन के बाद बड़ा आदमी बन पाता है या नहीं, यह जानने के लिए आप एक बार इसमें को ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की वन लाइन रिव्यू की, मूवी बहुत ज्यादा डिसेंट और वन टाइम वॉच होने वाली है, तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। दोस्तों, आज की लिस्ट में हमारी नंबर 4 पे जो मूवी आती है वह 2022 की रिलीज एक मास्टरपीस ड्रामा थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है द टीचर और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 है आउट ऑफ 10, जो एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें भी देवका नाम की बहुत ही डिसेंट फिजिकल एजुकेशन के टीचर के बारे में दिखाया गया, जिसके साथ उसके खुद के स्टूडेंट रेप कर देते हैं, जिसकी वजह से देवका को अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब देवका अपने स्टूडेंट से बदला लेने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। अब आगे मूवी देखने यह होता है क्या देवका उस स्टूडेंट से बदला ले पाती है नहीं, और इवन क्या देवका की कोई करने के लिए आगे आता है या नहीं, जानने के लिए आप एक बार इस वीडियो को ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों आपको रिवेंजेबल एक्टिविटी बेस्ड मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो यह मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर ट्राई जरूर करें। तो दोस्तों, अब हमारी नंबर 3 पे जो मूवी आती है वह 2021 की रिलीज एक सस्पेंस हॉरर थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है वनम और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है आउट ऑफ 10। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें एक हॉस्टल के एक स्पेसिफिक रूम के बारे में दिखाया गया है कि जो भी उस रूम में जाता है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब उस हॉस्टल में कई सारे सुसाइड अटेम्प्ट होने लगते हैं, तो उस हॉस्टल के कुछ लड़के इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे मूवी में देखने जाता है क्या उस हॉस्टल के लड़के इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते हैं नहीं, और इवन इसके पीछे किसका हाथ होता है, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसमें ट्राई जरूर करें। यकीनन दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा एंगेजिंग होने वाली है और साथ ही साथ यह मूवी आपको थोड़ी हॉरर वाली वाइब भी देने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल मिस ना करें। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर एक बार चेक जरूर करें। गाइस, अब हमारी आज की काउंटडाउन है नंबर 2 पे जो मूवी आती है वह 2021 की रिलीज एक क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है कोल्ड केस और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 है आउट ऑफ 10। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें एम सत्यजीत नाम के एक SAP ऑफिसर के बारे में दिखाया गया, जिसे एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है, जो की एक यंग लड़की का मर्डर केस होता है जो एक साल पहले हुआ होता है और उसका सिर काट कर पानी में फेंक दिया जाता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब पुलिस ऑफिसर जैसे जैसे इस केस को सोल्व करते आता है, वह वैसे वैसे इस केस में और भी ज्यादा उलझता जाता है। अब आगे मूवी देखना यह है कि वह लड़की कौन होती है जिसका मर्डर हुआ था, और इवन क्या वो पुलिस ऑफिसर इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, यह जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। और अगर दोस्तों आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर एक बार चेक जरूर करें।
तो दोस्तों, अब हमारी आज की वीडियो में नंबर वन पे जो मूवी आती है वो 2021 की रिलीज एक बेहतरीन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है कुरुथी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 है आउट ऑफ 10, जो अच्छी रेटिंग मानी जाती है। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें इब्राहिम नाम के एक आदमी के बारे में दिखाया गया है जो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को खोने का गम मना रहा होता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब एक दिन इब्राहिम घर एक क्रिमिनल के साथ एक पुलिस वाला आता है, जिसकी वजह से उस दिन से इब्राहिम की लाइफ पूरी तरीके से चेंज आती है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ होता है जिसकी वजह से इब्राहिम की लाइफ पूरी तरीके से चेंज आती है और इवन इब्राहिम अपनी वाइफ और अपने बेटे को खोने का क्यों गम मना रहा होता है। सब चीज जानने के लिए आप एक और इसे को ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों, यह मूवी स्टार्टिंग में हमें थोड़ी स्लो नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस मूवी में आगे बढ़ेंगे, यह मूवी आपको अपने साथ पूरी तरीके से एंगेज कर रख देने वाली है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर ट्राई जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की साउथ की बेहतरीन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तो गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो यार जल्दी से दबा दो ना सब्सक्राइब वाला बटन। तब तक के लिए बाय बाय।